पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984, जिसको इनैक्ट किया गया था इंग्लैंड में रॉयल कमीशन के द्वारा, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, अब ये जो पांच चीज़ है इसको बोला गया था ताकि आर्बिट्री अरेस्ट ना हो सके, मतलब पुलिस का ये जो अरेस्ट कर लेना इसको रोका जाए, पूरा डिस्क्रिशन जो दिया गया था पहले इसको थोड़ा हद तक कर्टेल करने के लिए इसको बोला गया था। ये जो पांच जो चीज़ आपको बताई इसके ऊपर ही पूरा जो गाइडलाइंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, गाइडलाइंस कैसे अरेस्ट करना है, मतलब एक फॉर्मल नेम टैग होना चाहिए, जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उनका नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो ये जो पांच चीज था सुप्रीम कोर्ट इसको रिएट्रेट किए थे जोगिंदर सिंह केस में। ठीक है, अब जोगिंदर के बाद यहाँ पर 41A, सेक्शन 41A, यहाँ पर जो एक नोटिस देना पड़ता है ना, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। और अगर मतलब एग्जामिनेशन में छोटा करके कोई इंसान मेंशन करना चाहे दैट 41A का ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये कहाँ से आया, तो रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पर 2009 में इसको इंकॉर्पोरेट किया गया है। अगर छोटा करके मेंशन कर सको तो आपका राइटिंग का जो लेवल स्टैंडर्ड है ये बहुत मतलब हाई हो जाता है। ओके, अभी प्रायर टू 2009, अभी 2009 के नाइन से पहले किया था ये देखिए। तो पहले तो पुलिस ऑफिसर को पावर, सिर्फ मतलब पावर दिया गया है दैट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, ये मैं 2009 से पहले का बात बोल रही हूँ। तो ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पर मतलब पुलिस ऑफिसर को सिर्फ पावर दिया गया था दैट हाँ जी ये अरेस्ट कर सकता है, बट कोई भी नेसेसिटी मतलब अरेस्ट करने का ज़रूरत क्या है इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया था। कोई भी तो किसी को आकर के उठा के चले नहीं जा सकते, है ना, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए किसी को अरेस्ट करने के लिए। तो नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट 2009 के बाद इंकॉर्पोरेट किया गया, सो पावर इज समथिंग वो पहले से ही था, पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने का, अब नेसेसिटी टू अरेस्ट ये इसके बाद ही बोला गया था। ठीक है, तो सिंपल नेसेसिटी क्या हो सकता है दैट ट्रायल में, वही ट्रायल में अवेलेबल कराना, ये वो नेसेसिटी। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, इवॉल्व ये सारे का सर चीज़ इसका ओरिजिन किधर है, मतलब आया किधर से है। तो आप सभी लोग सुने होंगे UDHR, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट। सो UDHR 1948 में जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 UDHR का, वहां पर क्या बोला गया था, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट, कोई भी इंसान को आर्बिट्रेरिली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद 1979 पर एक और कन्वेंशन था जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, है ना, ICCPR, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सेम चीज़ ही बोला गया था दैट नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, कोई भी इंसान को आर्बिट्रेरिली अरेस्ट करके डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अरेस्ट कर तो डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पर्सनल लिबर्टी से, है ना, और इसके साथ ही साथ आपका मतलब सब कुछ, आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, मतलब सब कुछ एक डीप इंपैक्ट छोड़ता है एक फैमिली के ऊपर। तो इस हिसाब से पूरा चीज़ों को एक आर्बिट्री अरेस्ट का जो पुलिस ऑफिसर का ये जो पावर है इसको कर्टेन करने के लिए ये सारा का सारा चीज़ का इवॉल्व हुआ। ठीक है, रूट समझ में आया किधर से आया सब कुछ चीज़, मतलब ये पूरा चीज़ डेवलप हो रहा है, तो ऐसा करके जन्म हो रहा है कोई लॉ का जन्म होने से पहले जो हिस्ट्री था वो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि समझने में आसान हो जाए। ओके, अभी देखिए, तो ये सारा का सारा जो सिचुएशन है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोले अरेस्ट करने का जो सारा हिसाब किताब है, एग्जीक्यूटिव पावर है, इसको थोड़ा हद तक मतलब कर्टेल किया गया। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट बोले दैट जहाँ पर आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, पर्सनल लिबर्टी के ऊपर बोलता है ना, तो यहाँ पर क्या, तो जब भी किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उनका पर्सनल लिबर्टी के ऊपर बात आ रहा है, तो लिबर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, आप कोई इंसान के फंडामेंटल राइट को कैसे वायलेट कर सकते हो, है ना, और वो भी आर्बिट्री, मतलब ठीक है ना, दैट्स द बेसिक थिंग। इस हिसाब से पूरा सिचुएशन डेवलप हुआ। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये जो पूरा चीज था इसको अगेन एंड अगेन रीइटरेट किए थे पीयूएलसी केस 1997 पर। ठीक है, अब विशाखा केस, मतलब विशाखा गाइडलाइन जो आया था वहां पर सुप्रीम कोर्ट वार मतलब अगेन एंड अगेन ये चीजों को रिपीट करते रहे, बट तब तक कोई लॉ वगैरह नहीं आया था, बट विशाखा गाइडलाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही बहुत सारे मतलब एक मैसिव अमेंडमेंट मतलब करके जो सारे लॉज अभी के आप देख रहे हो उसको लाया गया है। ठीक है, टिल दिस मच इज इट क्लियर। इसके बाद ही ये आर्बिट्री पावर को कर्टेल डाउन करने के लिए एग्जीक्यूटिव, मतलब जब भी कोई इसके बाद मतलब विशाखा केस वगैरह हो गया, ठीक है,
2009 के बाद ये सब चीज़ आया। इसके बाद जब भी कोई एग्जीक्यूटिव मतलब पुलिस ऑफिसर ऐसे अरेस्ट वगैरह करते थे तो सुप्रीम कोर्ट हेवीली मतलब डांट लगाते थे, तो ऐसा करके नहीं होगा। इसके बाद ही जस्टिस कृष्णन अय्यर बहुत बार मतलब जस्टिस कृष्णन अय्यर इज मतलब अमेजिंग, जो ये सब कुछ फ्रेमवर्क को मतलब उनका ब्रेन चाइल्ड बोल सकते हो, अमेजिंगली वो जजमेंट पास करते थे, उनका ऑब्जर्वेशन ही कमाल का था। ठीक है, अब ये जो जोगिंदर कुमार्स केस है 90s का, यहाँ पर रॉयल कमीशन जो रिकमेंड किया था, जो मैंने आपको बताया रॉयल कमीशन, उनके रिकमेंडेशन पर बहुत सारे लॉस को धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना चालू हुआ और पुलिस के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया था कुछ हद तक कर्टेल कर दिया गया। और इसके बाद आया 1997 पर डीके वासु केस, ठीक है, डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इस केस पर जो बोला गया था दैट पुलिस एट्रोसिटी के ऊपर मतलब पुलिस मतलब मारते मारते किसी का डेथ ही कर देते कस्टडी में, है ना, तो इसके बारे में गाइडलाइंस दिया गया था, जो मैं गाइडलाइंस में आपको समझाऊंगी वहां पर डिटेल में बोलूंगी क्या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस पास किए थे। अभी डी के बासु एंड जोगिंदर में जो चीज़ों को बोला गया था उसका कॉम्पैक्ट करके मतलब एकदम मिला करके चैप्टर 5 पर जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 2005, मतलब उस जजमेंट का इम्पैक्ट इतना था, 2005 अमेंडमेंट लाया गया चैप्टर 5 पर, ये गया फर्स्ट। अभी दूसरा अमेंडमेंट हुआ 2009 पर, दिस इज द मेजर वन फॉलोड बाय द मेजर अमेंडमेंट, दैट इज 2010 अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, तुरंत बाद। और इससे ही ये सबसे इंपॉर्टेंट है 2010 वाला, यहाँ पर ही हर एक चीज़ों को मतलब डिटेल में एनालाइज करके लॉ में ट्रांसफॉर्म किया गया था। अब इससे ही पुलिस जो अरेस्ट करता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जो सारे ऑफेंसेस स्पेशली बोला गया 7 साल से नीचे वाला, सो ये मतलब पुलिस का डिस्क्रिशनरी पावर इस हद तक कर्टेल कर दिया गया, मतलब नेसेसिटी का इनकॉर्पोरेट हुआ। सो अभी तक पावर चलता था, अब पावर गया, पावर के साथ नेसेसिटी आया। बहुत सारे एनकाउंटर केसेस आप देख सकते हो, जस्ट जैसे कि आप प्रियंका रेड्डी केस में देख सकोगे जहां पर एनकाउंटर किया गया, बट सिंपली जो वहां पर एनकाउंटर किया गया दैट इज वध, हिंदी में जो एनकाउंटर को क्या वध बोला जाता है ना, तो पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर किए आम जो नागरिक है उनके हिसाब से सही किए, बिल्कुल सही किए, है ना, क्योंकि 10-12 साल जेल में रख करके उन लोगों को खिला पिला करके फांसी देने से बेहतर है एनकाउंटर किया। बट एनकाउंटर मतलब क्या, क्या उनका फेयर ट्रायल हो रहा है? और हमारे जुडिशरी सिस्टम तो एडवर्सरियल सिस्टम में चलता है, एडवर्सरियल सिस्टम मतलब थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल्स को छूट दिया जाए बट एक मतलब इनोसेंट को सजा नहीं होना चाहिए। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, नॉट गोइंग इन टू द डिटेल। 41 कैपिटल ए सीआरपीसी,